नमस्कार, मैं हूं एशियन डिटेक्टर से हैदराबाद तेलंगाना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9010548894। आप हमारा यूट्यूब चैनल पे नए नए आए सो है तो हमको सब्सक्राइब करिए। दो दिन पहले महाराष्ट्र से एक कस्टमर ने मुझे कॉल करके पूछा है कि सर मैं पिन पॉइंटर मेटल डिटेक्टर अमेजन में खरीदा था, उसमें जो डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन किया है 2 फुट गहराई करके, मगर मैं वो देख के इसको मेटल डिटेक्टर को खरीदा था, यहां पर आने के बाद में उतना ज्यादा गहराई नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं। 2 फुट करके अमेजन में लिखा है मगर यहां आने के बाद में वो 2-3 इंच भी नहीं आ रहा है। प्राइस भी बहुत कम में आया सो है, 4500 में मेरा काम भी बन जाता है, ऐसा करके मैं लिया था। एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट था 2 फुट, मगर ये रियलिटी उतना नहीं जा रहा है। एक्चुअली इसका डेप्थ कितना तक जा सकता है, इसका एक वीडियो बनाइए, डिटेल मुझे बता दीजिए, ऐसा करके उसने पूछा था। तो उनके लिए, जो महाराष्ट्र कस्टमर के लिए, नोक्ता पिन पॉइंटर यहां पर मैं लगाया हूं, ये पिन पॉइंटर लगा के यहां पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, कितना डीप जा सकता है पिन पॉइंटर। एक्चुअली पिन पॉइंटर जो भी ले लीजिए आप, अगर फिशर का ले लीजिए, माइनलैब का ले लीजिए, या वाइट्स का ले लीजिए, या गैरेट का ले लीजिए, या ओकेएम का ले लीजिए, जो भी पिन पॉइंटर ले लीजिए, या बुल्गेरिया का ले लीजिए, या चाइनीज का ले लीजिए, या यूएसए का ले लीजिए, पिन पॉइंटर तो सेम डेप्थ वही आता है जो हर एक पिन पॉइंटर जो देता है वही है, सेम है। अगर आप अमेजन में या अलग अलग ऑनलाइन में अगर वो देख के वहां पर डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिख के लगा सकता है, दो भी लगा सकता है, 2 की जगह 20 भी लगा सकता है, मगर वो देख के जाइए, पिन पॉइंटर तो उतना डेप्थ नहीं जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पिन पॉइंटर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हुआ तो, आपको अगर बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा तो 4 या 6 इंच आने का चांसेस है। इंच है, फीट नहीं होता है, 4 या 6 इंच बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा तो वो भी 6 इंच आने का चांसेस है। अगर छोटा है, अगर छोटी सी छोटी मेटल है, ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत कम डेप्थ आता है। कभी भी मत सोचिए पिन पॉइंटर मेटल डिटेक्टर ज्यादा डेप्थ नहीं जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए नोक्ता पिन पॉइंटर है, इसका ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग करके एक वीडियो भी बनाया था मैं, उसमें ऑलरेडी मैं बता दिया, एक वीडियो बनाने वाला हूं इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स है। ये देखिए नोक्ता पिन पॉइंटर में आपको यहां पर देखिए दो बटन्स यहां पर दिया है, ये ऑन ऑफ बटन है, ये अगर सेंसिटिविटी कम करने का ऑप्शन भी है। कभी कभी मिनरलाइजेशन में अगर कोई मट्टी है, वहां पर अगर आयरन ओर है, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा रहा तो हर एक पिन पॉइंटर, या नोक्ता का नहीं है, या जो भी पिन पॉइंटर ले लीजिए, वहां पर कुई 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 करके आवाज आता है। अगर वहां पर आप सेंसिटिविटी को एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, मगर यहां पर देखिए नोक्ता पिन पॉइंटर में तो आपका तो ऑप्शन बिल्कुल है, ज्यादा भी कर सकते हैं, डेप्थ कम भी कर सकते हैं, एक ही तरह। बस इसको यहां पर ऑन कर दीजिए, मशीन भी ऑन हो जाता है, नोक्ता पिन पॉइंटर 2 सेकंड पकड़ने के बाद में मशीन ऑन हो चुका है। अगर आपको रात पे कुछ इसको चलाना है तो ये लाइट भी जला सकते हैं, 2 पकड़ के अगर ऐसा प्रेस करा तो लाइट भी आ जाएगा, देखिए लाइट भी आ गया, बहुत सिंपली सी यूज है। फिर इसको एक बार दो को एक ही बार पकड़ लीजिए, लाइट बंद हो जाता है। अभी कोई भी मेटल के ऊपर गया तो बिल्कुल आपको आवाज आ जाएगा। अभी तो देखिए मशीन भी ऑफ कर दिए, फिर इसको दबा दीजिए, आवाज आ जाता है, मेटल के ऊपर गया तो ऐसा आवाज आ जाएगा। अभी देखिए यहां पर अपन सॉइल टेस्ट भी करेंगे, मट्टी में लगा के कोई भी कॉइन, ऐसा ही अब जमीन के नीचे तो अपन नहीं जा सकते हैं। यहां पर देखिए यह मट्टी भी हम लगाए सो है एक पॉट में, इसमें ऑलरेडी कॉइन्स लगा के है, ये कितना डेप्थ तक जा सकता है पिन पॉइंटर मेटल डिटेक्टर के सहारा अपन देखेंगे। जो भी पिन पॉइंटर बाहर से भी ले लीजिए, कहां से भी ले लीजिए, पिन पॉइंटर तो सेम वही डेप्थ आता है। कौन से भी कंपनी को कॉइल ले लीजिए, वो बड़ा भी रहने दीजिए या छोटा कॉइल भी रहने दीजिए, कॉइल कौन से भी कंपनी का वही डेप्थ जाता है। मगर कभी कभी थोड़े कंपनीज का जो डेप्थ का पैरामीटर उतना नहीं रहता है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव अंदर का जो वाइंडिंग है बहुत कम रहता है थोड़े कंपनी में, इसीलिए वो अगर अपन कंपैरिजन करा तो डेप्थ ज्यादा नहीं जा सकता है कॉइल के हिसाब से अगर कंपैरिजन करा तो। अभी देखिए ये तो मशीन तो ऑन कर दिया अपन, यहां पर देखिए मैं मशीन ऑन करके यहां पर लगा दिया, देखिए 0 पे यहां देख सकते हैं, सेंसिटिविटी भी बहुत कम लगाया हूं, सेंसिटिविटी भी बहुत 0 लगा दिया। 0 सेंसिटिविटी लगाने के बाद में यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये एक 5 रुपए का छिक्का है, अब देखिए कितने दूर से पकड़ रहा है ये, यहां इसको ऐसा कर देंगे, ऐसा लगा देंगे, ये 5 रुपए का छिक्का को कितने दूर से पकड़ेंगे यहां पर देख सकते हैं। यहां टेप भी है, थोड़ा इसको पीछे ले लेंगे, देखिए पिन पॉइंटर तो ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाता है, 2-3 फुट ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, मगर रियलिटी तो नहीं है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 6 इंच ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ा रहा तो ज्यादा भी आने का चांसेस है। अभी देखिए इसको नजदीक लेके जा रहा हूं, देखिए यहां पर देखिए 2 mm 2 इंच है खाली, देखिए ये 1 इंच होता है, अभी ये पकड़ रहा है आपको 1 इंच, नजदीक लगे तो ज्यादा आवाज आ रहा है। देखिए यहां से फिर जाएंगे अपन, ठीक है ये खाली 2 इंच तक, एक इंच या दो इंच उससे उसका बीच में आ रहा है। अभी देखिए ये खाली इतना तक आ रहा है ना, सेंसिटिविटी कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, अगर यहां पर देखिए ये सेंसिटिविटी बहुत आपको यूजफुल होने वाले यूजफुल होता है बहुत आपको, ये मोड ये देखिए सेंसिटिविटी को बढ़ाना, इसको दबा दीजिए आवाज देखिए ट्विंग करके आवाज आता है, तब सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया, देखिए अभी टू करके आवाज आ गया, सेंसिटिविटी ज्यादा अपन लगा दिए। प्रॉब्लम क्या होता है सेंसिटिविटी ज्यादा रहा तो बहुत सारे पिन पॉइंटर मेटल डिटेक्टर में सेंसिटिविटी को ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं, वहां पर मिनरलाइजेशन सॉइल पे अगर आप चेक करा तो पत्थर को भी साउंड आता है। अभी देखिए इसको लगाएंगे, इसीलिए जो आयरन ओर को भी साउंड आता है, इसीलिए अगर सेंसिटिविटी को कम लगाए तो एक्चुअल मेटल के ऊपर आवाज आ जाएगा। अभी देखिए मैं नजदीक लेके जा रहा हूं, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए 5 इंच पे आ रहा है, देखिए यहां से फिर आ रहा हूं, आवाज सुनिए 5 इंच पे इजीली आ रहा है आपको, ठीक है ऐसा आवाज आता है, यानी सेंसिटिविटी ज्यादा लगाया ना इसलिए ज्यादा आ रहा है। अभी ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, इसको कितने गहराई पे इतने डीप पे आता है देखेंगे, थोड़ा ज्यादा 5.5 पे आ रहा है, ठीक है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जो अगर बड़ा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, कम ऑब्जेक्टिव रहा तो कम भी आ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। पिन पॉइंटर तो क्वाली आपको जब जो भी है छोटी छोटी जो मेटल रहेगा जब खुदाई करते टाइम पे आजू बाजू में देखने के लिए बस, ये तो ज्यादा गहराई नहीं जाता है, कोई बंदा आपको 2 फुट 3 फुट ऐसा बता दिया मत मानिए, 1 फुट भी नहीं, 4 इंच या ऑब्जेक्टिव बड़ा रहा तो 6 इंच, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी देखिए ये एक मेटल है, ये मेटल का मतलब है ये गोल्ड फॉल है, इसके ऊपर लगाया तो ये भी पकड़ेगा नजदीक लगाया तो, एक्चुअली थोड़े मेटल डिटेक्टर इसके ऊपर भी आवाज आता है। अभी देखिए नजदीक जा रहा हूं मगर ये तो नहीं पकड़ रहा है, यानी अगर कोई मेटल डिटेक्टर मैं दूसरा बहुत बढ़िया कंपनी है बहुत मशहूर कंपनी है ये जो फॉल उसके पास लेके गया तो उसके भी पकड़ के आवाज दिया था टू ही करके, मगर ये तो नहीं पकड़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया मशीन है ये पिन पॉइंटर। तो महाराष्ट्र कस्टमर को यही बता रहा हूं मैं, ज्यादा डेप्थ नहीं जाता है पिन पॉइंटर, आप कोई भी अगर आप भी महाराष्ट्र के जो कस्टमर को हुआ है आपको भी ऐसा नहीं होना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप कोई भी अमेजन में वहां पर कोई भी बोल देता है 20 फीट 10 फुट 4 फुट ऐसा करके, बिल्कुल मत मानिए उतना डेप्थ नहीं जाता है, मेटल डिटेक्टर को भी वो लोग बता देगा उसका 11 इंच का कॉयल है वो 10 फुट गहराई जाता है, ऐसे कैसे आ सकता है उतना, बिल्कुल नहीं है। एक बार खरीदने के बाद में आपको रिटर्न भी नहीं देता, एक्सचेंज भी नहीं करता है, इसीलिए एक बार आप सोच के आगे जाइए, अगर हुआ तो उसके पास डायरेक्ट जाइए, फोन पे बात करिए, जाने के बाद में डिसीजन ले लीजिए। अभी ये मशीन तो चालू है, यहां पर ऑलरेडी थोड़ा मेटल्स यहां पर अपन डाल दिए, देखिए क्या आवाज आ रहा है, ठीक है यहां पर भी देखिए मट्टी में भी बिल्कुल आवाज आ रहा है, यहां कुछ नहीं है इसीलिए कुछ आवाज नहीं है, देखिए इसके ऊपर जाते ही आवाज आता है, यहां पर नहीं है, यानी मेटल के ऊपर जब जाता है कोई भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जब जाता है ये बिल्कुल आवाज दे रहा है नोकता पिन पॉइंटर। अगर सेंसिटिविटी बढ़ा कर दिया ज्यादा भी आने का चांसेस है, अपन मैक्सिमम तो डेप्थ लगा दिए हैं, अगर कम भी कर सकते हैं अगर इसको प्रेस करे आवाज देखिए टू ही करके आता है, पूरा होने के बाद में टू ही करके आता है, अब आवाज आ गया। अभी देखिए इसको नहीं पकड़ रहा है, इससे पहले तो अपने को बिल्कुल पकड़ा है मगर अभी नहीं आ रहा है। कभी कभी आपको मिनरलाइजेशन सॉइल ऐसा मिनरलाइजेशन रहता है वहां पर आपको बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए सेंसिटिविटी का एडजस्टमेंट भी रहना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट नहीं है ज्यादा या बड़ा मिनरलाइजेशन पे, सेंसिटिविटी को कम करिए तब आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। अभी इसको बढ़ा देंगे, डेप्थ को बढ़ा रहे, अगर फुल हो गया टू ही करके आवाज आता है, अभी आवाज आ गया, अभी देखिए बिल्कुल आवाज आ रहा है,
ठीक है, ऐसा बिल्कुल आ जाता है। अभी यहां पर क्या क्या मेटल है अपन देखेंगे। देखिए अभी अपन करते टाइम पे अगर कुछ देखिए उधर इधर हो गया तो भी नजदीक रहा तो भी ऐसा आवाज आता है। देखिए आवाज टू इंट नजदीक रहा तो टू इंट करके आवाज आता रहे, थोड़ा ये ज्यादा गहराई पे है उसको निकालेंगे। देखिए ये एग्जैक्टली यहां पर है, वाइब्रेट भी हो रहा है तो अपन थोड़ा इसको ये कर देंगे। अभी यहां पर तो नहीं शायद, एग्जैक्टली ये देखिए यहां पर है। यहां पर है ये देखिए, ये बिल्कुल आपको पकड़ा है, यानी वो ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाता है। देखने से पहले या खरीदने से पहले थोड़ा सोच के आगे जाइए, ये वीडियो यही से एंड होता है।